सब्सक्राइब कीजिए जीनस इंग्लिश चैनल को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएनएस इंग्लिश चैनल। आज मैं आप लोगों को जो कुछ ऐसे फ्रेज के बारे में जो फॉरेन स्लैंग से आए हुए हैं, फॉरेन लैंग्वेज से इंग्लिश में कॉमनली यूज हो रहे हैं, जिसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदू ऐसे बहुत सारे डेली न्यूज पेपर है आप अवगत होंगे। तो बिंगरिंग हम करते हैं, फिर देर किस बात की है। तो फर्स्ट वर्ड है एब इनिशियो। एब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, प्रारंभ से ही। राम एंड सीता हैव बीन लविंग इच अदर एब इनिशियो। तो एब इनिशियो होता है कि शुरू से ही, बिगिनिंग से ही। आप टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़े, द हिंदू पढ़े, या कोई सा भी जो पायोनियर न्यूज पेपर इंग्लिश का है, इन सब वर्ड्स का मोस्टली यूज हो रहा है। तो इसलिए आपकी बेनिफिट के लिए, एडवांटेजेस के लिए, मैं काफी टॉयलिंग एंड मॉयलिंग करके, हार्ड वर्क करके ये यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है। आपकी सुविधा के लिए जॉट डाउन है, आप इसे आप नोट करें। सेकेंड वर्ड है एड हॉक, फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य निमित्त से। यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड, एड हॉक यू आर टॉयलिंग एंड मॉयलिंग। आप सीबीएसई बोर्ड के एस्पिरेंट हो, इसके लिए आप खूब मेहनत कर रहे हो, फॉर दिस पर्पस। इस तरह से बहुत सारे वर्ड है। एड इंटरिम, इन द मीन व्हाइल, इसी बीच में। ए पर्पस ऑफ विथ रिफरेंस टू, कंसर्निंग, के बारे में। तो करेक्ट साउंड है एप्रोपो, एप्रोपो। तो बहुत लोग एप्रोपस पढ़ते हैं। तो एज टू माय क्वालिफिकेशन आई हैव टू से दैट आई एम एन एमबे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एप्रोपस ऑफ माय क्वालिफिकेशन आई हैव टू से दैट आई एम एन एमबे पीएचडी। तो इस तरह से के बारे में एप्रोपस हो गया। एड रिफरेंडम है फॉर फर्दर कंसिडरेशन, विचाराधीन, विचार तक। इस तरह से आप खुद सेंटेंस बनाना आप सीखें। मैंने एक्सप्लेनेशन किया है ये सारे जो न्यूज पेपर्स के वर्ड्स हैं, आपकी सुविधा के लिए। बहुत से लोग पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने इसे यहाँ जॉट डाउन किया है। अगला जो फ्रेज है एल फ्रेस्को, इन द ओपन एयर या आउट ऑफ डोर, यू शुड वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग एल फ्रेस्को। मतलब तुम्हें सुबह में खुली हवा में घूमना चाहिए। एंटीबेलम बिफोर द वार, युद्ध से पहले। डिफैक्टो और इफ्सो फैक्टो सेम मीनिंग है, रियली, एक्चुअली, डिफैक्टो। तो सचमुच में, वास्तव में, डिफैक्टो यू आर ए टैलेंटेड पर्सन, वास्तव में आप बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हो, तो सेम मीनिंग है। बोनाफाइड है जिन्यून, बोनाफाइड इसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बोनाफिडी, बोनाफिडी रिजल्ट, बहुत ही जो सुपर एक्सीलेंट होता है उसे जिन्यून है, उसे हम बोनाफिडी बोलते हैं। बहुत से लोग बोनाफाइड बोलते हैं, ठीक है, लेकिन करेक्ट साउंड बोनाफिडी है। तो बोनाफिडी परफॉर्मेंस होता है, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। साइन क्वानन है नेसेसरी, ठीक है। तो प्योर एयर, प्योर वाटर आर साइन क्वानन फॉर एवरी गाय, फॉर एवरी क्रिएचर। तो फॉक्स पस है फॉल्स स्टेप, गलत कदम है। वी से वी फेसिंग, आमने सामने। द टू फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग विस ए विस, यानी आमने सामने खड़े हैं। तो वेल मतलब फेयरवेल, विदाई होती है। एनबी है तो नोटाबिनी, टेक नोटिस, ध्यान दो, ठीक है। ये वर्ड्स कॉमनली यूज हो रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इन टोटो, एंटायरली, संपूर्ण रूप से। आगे मालाफिड, फिडी, टेचरसली, विश्वासघात के तौर पर होता है, ठीक है। अगला है मैग्नम बोनम, ए ग्रेट गुड है, बहुत बड़ी भलाई, बहुत बड़ा उपकार जो होता है उसे इंग्लिश में हम मैग्नम बोनम बोलते हैं, ठीक है। इट इज ए मैग्नम बोनम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। मैग्नम ओपस, ए ग्रेट वर्क, मैग्नम जो ओपस है, ग्रेट वॉक हुआ। मैटनी, ए डे और मॉर्निंग शो, जैसे सिनेमा है कोई पिक्चर, आप जो मॉर्निंग या दोपहर का जो परफॉर्मेंस होता है या शो होता है उसे हम मैटनी बोलते हैं।
अगला है मोडस ऑपरेंडी मैनर ऑफ वर्किंग माय मोडस ऑपरेंटिंग ऑपरेंडी इज प्रेजवर्दी मेरा जो काम करने का वो तरीका है वह प्रशंसनीय है ठीक है मोडस विवेंडी मैनर ऑफ लिविंग ठीक है हिज मैनर हिज मोडस विवेंडी इज वेरी रिमार्केबल उसका जो जीने का तरीका है बहुत ही सुंदर है रिमार्केबल है या मैग्निफिशेंट भी आप बोल सकते हो नेसेंस होता है ओरिजिन बर्थ जन्म होता है ये सारे जो वर्ड है फ्रेंच के हैं जर्मन के हैं इटालियन के हैं लैटिन के हैं कुछ ग्रीक के भी हैं तो इसे आप बाय हार्ट लर्न करेंगे ठीक है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हैं चाहे रेलवे की कर रहे हैं चाहे जो आप कोई सिविल सर्विसेज दे रहे हैं इसमें आपके लिए बहुत ही वाइटल है यह वीडियो अगला वर्ड है स्टेटस को अनचेंज्ड कंडीशन द सिचुएशन एज इट इज जो अनचेंज्ड कंडीशन होता है जो जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ ठीक है तो इस तरह से आप स्टेटस को बहुत ही यूज आ रहा है हो रहा है तो आप देखते हैं कि इसका आप यूज करना भी सीखो ठीक है प्राइमा फेसी ऑन द फर्स्ट व्यू राम एंड सीता लव्ड इच अदर प्राइमा फेसी यानी पहले ही झलक में पहले ही जो मुलाकात में वो दोनों बहुत प्यार करते थे ठीक है टेट ए टेट TETETE ये प्राइवेट टॉक होता है ठीक है तो टेट टेट जो गुप्त बातें होती है किसे करनी होती है टेट टेट बोलते हैं आगे बढ़े क्विड प्रो को टिट फोर टेट जैसे को तैसा ठीक है तो क्विड प्रो को है प्रो बनो पब्लिक को फॉर द पब्लिक वेलफेयर आई हैव बीन डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टू द प्रो बनो पब्लिक को फॉर द पब्लिक वेलफेयर जन कल्याण के लिए मैं हमेशा क्या हूं नौछावर रहता हूं तो प्रो बनो पब्लिक को फॉर द पब्लिक वेलफेयर फॉर द पब्लिक गुड ठीक है अगला वर्ड है वाइस वर्सा कन्वर्सली ठीक विपरीत उल्टा अब अगला देखेंगे फाइनल विनी वीडी वीसी वी आई एन आई वी आई सी आई वी आई डी आई विनी वीसी आई केम आई शॉ आई कंकर्ड ठीक है तो विनी वीडी वीसी इज द पॉलिसी ऑफ द कॉस्मोपोलिटन लीडर तो विनी वीडी वीसी मैं आया मैं देखा पढ़खा और जीत लिया यही सक्सेस मंत्र है आप लोगों को भी इसे फॉलो करना चाहिए ठीक है तो आप इसे बाय हार्ट लर्न करेंगे और इसे अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करो और साथ में भी बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव एन ऑसम डे